फाइन मॉस्टर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए, वरना फाइन मॉस्टर आपको कच्चा चबा जाएगा। ये फाइन मॉस्टर का आपसे वादा है। और अभी तो हम यहाँ लैंड हुए हैं और हमारे एक टीममेट तो लुढ़क भी गए, इसलिए मैच ये डुओ वर्सेस स्क्वाड की ही होने वाली है और मेरा टीममेट एक नंबर का नुबड़ा है। अब इन भाई साहब को लग रहा था कि वो आराम से भागते भागते आएंगे और हमें मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास डीपी है भाई साहब। अब ये दूसरा टीममेट भी लुढ़क गया, मतलब यार इन लोगों को फाइट करनी आती नहीं तो ऐसे हॉट ग्राउंड पर क्यों उतरते हैं ये लोग, साथ में नहीं उतर सकते। चलो कोई बात नहीं, हम अकेले सब पे भारी है। अब यार इस टाइम पे मेरा टीममेट नॉक हो गया था तो मुझे लगा ये मैच तो मेरे हाथ से गई, क्योंकि वहाँ पर फायरिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा टीममेट बच गया, तो मैं तब से भागा उसे बचाने के लिए। अब यार पहले जब फायरिंग हुई थी तब मुझे शक तो था कि यहाँ पर सीढ़ियों पे कोई होगा, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब इस टाइम पे मेरे पास अगर डीपी ना होती और मेरे हाथ में स्कारल होती तो शायद मैं मर जाता, क्योंकि गोलियाँ ख़त्म हो जाती, लेकिन डीपी थी इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी। इसलिए डीपी मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, उसका पावर भी सबसे ज़्यादा है और गोलियाँ भी बहुत सारी होती। अब इस टाइम पे मैं ये सोच रहा था कि बैरल लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि M762 मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट गन है। फिर आखिर में मैंने ले ही ली।
अब M762 मेरे फेवरेट गन क्यों है, क्योंकि वो 7.62 की गन है, इसलिए उसका पावर सबसे ज़्यादा है और उसका स्पीडिंग रेट भी बहुत ही ज़्यादा है, वो बहुत ही स्पीड में फायर करती है, इसलिए वो मेरी सबसे फेवरेट गन है। अब हम जैसे ही यहाँ पर बंदे की तलाश में आए, यहाँ पर एक फ्लैट ड्रॉप दिख गया और मेरे फ्रेंड ने अंधाधुंध फायरिंग करी, लेकिन उसका एम तो लगता ही नहीं कभी, तो कोई भी बंदा नॉक नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर ये वाले स्क्वाड हाउस में आ गए थे ताकि उनके ऊपर एक एंगल ले सके और उन्हें ख़त्म कर सके। अब यार मैं बम डाल के चेक कर रहा था कि शायद ये बम वहाँ पे गिर जाए तो किसी को, तो शायद कोई नॉक हो जाए तो हम पुश कर दें उनके ऊपर, लेकिन वो कोई फटा तो नहीं, लेकिन एक बंदा मुझे दिख गया जो बाहर आ गया था और डीपी से हेडशॉट मार के मैंने उसे ख़त्म कर दिया। अब बारी थी पुश करने की, इतने में मेरे के ओम का बॉडी शॉट पड़ गया, मैंने सोचा कि यहाँ पर मेरा किल ख़त्म हो गया, इतने में मैं मर गया, लेकिन पता नहीं इस बंदे को क्या सूझी तो वो मुझे मारे बिना ही चला गया और हमारे टीममेट तो अलग ही मज़े में पीछे घूम रहे थे। फिर मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पे ऐसा हुआ है, इसलिए वो पकते हुए आ गए हैं। अब यार लिटरली बताता हूँ, मेरे टीममेट ने पहली बार ऐसे किसी को मौत दी है, वरना हर बार वो मर ही जाता है, लेकिन अच्छा खेल रहा है आजकल। अब यार यहाँ पे मिल गई थी मुझे ग्रोजा, तो चिकन डिनर तो पक्का ही था, क्योंकि एक बार मैं फ्लेयरकन छोड़ सकता हूँ लेकिन ग्रोजा को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ग्रोजा मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट गन है। अब यार पता नहीं टीममेट को क्या सूझी तो वो ओपन में बिना किसी कवर के भगते चले गए और भगते ही चले गए।
तो फिर मुझे भी पीछे पीछे जाना पड़ा, क्योंकि अगर टीममेट मर गया तो मेरे पास कोई रिवाइव करने वाला नहीं बचेगा। इतने में उसने एनिमी से हेड किया। अब ये यार हेडशॉट पड़ने वाली थी लेकिन एकदम से नीचे गिर गई। अब यार पबजी की ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसके वजह से मेरे 3 हेडशॉट बर्बाद हुए हैं। ये एक था, ये साला एन वक्त पर हट गया वरना ये भी हेडशॉट आया था। वैसे भी स्नाइपिंग में तो मैं बहुत ही ज़्यादा कच्चा हूँ। अब यार एक बार इस मोमेंट को देखो, ये परफेक्ट हेडशॉट था। लेकिन नहीं, पबजी को चाहिए ही नहीं हेडशॉट। यार ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसे ठीक करो। 4 हेडशॉट मिस होने के बाद ये पहला हेडशॉट पड़ा है, और इतने में मेरे दोस्त ने भी डीपी से एक बंदे को नॉक कर दिया, तो हमने सोचा चलो पुश कर देते हैं। अब यार इस टाइम पे पता नहीं मैं कौन से नशे में था, चलती गाड़ी से कूद गया। वो तो अच्छा है कि मैं नॉकआउट नहीं हो गया, वरना मेरा टीममेट तो पता नहीं पागलों की तरह गाड़ी लेके आगे ही चला जाता। लेकिन अच्छा है मैं नॉक नहीं हो गया, क्योंकि ये मैच मेरी थी। हर मैच पे लिखा होता है चिकन डिनर लेने वाले का नाम। वाह 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 वाह। अब यार देखो मैं इतनी अच्छी कमेंट्री करता हूँ, अच्छी तो नहीं लेकिन कमेंट्री तो करता हूँ ना। तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ फाइन मॉन्स्टर को शेयर करो प्लीज़। यार आपका कुछ जाने वाला तो है नहीं, किसी गरीब इंसान का भला हो जाएगा। इस टाइम पे मैं वेट इसीलिए कर रहा था कि मुझे लगता था कि इसके पीछे उसका टीममेट भी आएगा, लेकिन वो तो अकेले ही भागता चला गया और जाके प्रोन हो गया, इसलिए फिर मैंने उसे ख़त्म कर दिया। अब यार इस टाइम पे मेरे टीममेट ने एक बहुत ही अच्छा काम किया था, उसने एनिमी से हेड करने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन सिर्फ नॉक ही हुआ था, कुर्बानी तो सही नहीं हो पाया। अच्छी बात है। और अब आप देखने वाले हैं बम फाइट, बम की बर्बादी। अब भगते भगते पता नहीं कैसे मेरा नसीब चमक गया और बंदा दिख गया, वरना यहाँ पे तो हम दोनों खत्म ही थे।
अब यार पता नहीं वो बंदे कौन से नशे में थे। मैं पेड़ के कवर में बैठा था फिर भी मेरे ऊपर गोलियां चला रहे थे, और मेरा टीममेट बाहर ओपन में जाके बम फोड़ रहा है फिर भी उसे एक भी गोली नहीं मार रहे। वाह वाह भाई वाह, हमने तो साला मार खाने का ठेका ले रखा है। साला फाइन मॉन्स्टर की कोई इज्जत ही नहीं करता। भाई उस बंदे ने हमें बहकाने के लिए उधर स्मोक डाला और इधर से पका। भाई हम बेवकूफ़ थोड़ी है, हम फाइन मॉन्स्टर है। अगर वो स्मोक में से भागता तो शायद मर जाता, लेकिन वो ओपन में भागा, पता नहीं कौन से नशे में था, मर गया।